वर्तमान समय में भारत देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी सर्वाधिक चिंता का विषय है। इसका निराकरण करना केवल सरकार का ही नहीं अपितु आम नागरिक का भी कर्तव्य है, और केवल तभी संभव है जब आम आदमी स्किल्ड होकर रोजगार का सृजन करे। कौशल भारत कुशल भारत के सपने को साकार करने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक व्यवसायिक कोर्स है जिसमें विद्यार्थियों को उद्योग के आधार पर कार्य करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे करने के बाद विद्यार्थी औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सके या स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका कमा सके। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में हिमाचल प्रदेश अपनी एक अलग पहचान रखता है। राज्य में विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रकृति के अद्भुत नजारों के बीच मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पतलीकोल। कुछ वर्षों पूर्व तक मनाली विधानसभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा हेतु कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं था। विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 50 किलोमीटर दूर शमशी में स्थित ITI संस्थान में जाना पड़ता था। इस क्षेत्र की जनता की काफी समय से ये मांग थी कि कुल्लू और मनाली के मध्य ITI संस्थान स्थापित हो। यहाँ की जनता ने इस मांग को यहाँ के विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के समक्ष रखा। श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस मांग को प्राथमिकता में रखा और राज्य सरकार के सहयोग से ITI संस्थान को पतलीकुल में स्थापित कर क्षेत्र की जनता के इस स्वप्न को साकार किया। ये प्रशिक्षण संस्थान औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रशिक्षित हुनरमंदों को तैयार करने में अपना योगदान दे रही है।
इस कार्य हेतु इस क्षेत्र की जनता और लाभ प्राप्त कर चुके विद्यार्थी श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। विधानसभा क्षेत्र मनाली में विकास के कार्य इसी गति से होते रहेंगे, यही भविष्य में यहाँ की जनता कामना करती है।